आज स्ट्रेट डेटा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आज, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए इसमें क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक गार्डन है। देखो यहाँ पे एक गार्डन मैं बना देता हूँ, ये आयताकार है। अब इसमें बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर इसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ से 4 मीटर अधिक है, अगर ये मान लो एक्स है तो ये क्या होगा, इससे एक्स प्लस 4 अगर वन वेरिएबल होता तो हम मानते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मान लीजिए लेंथ को एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना। अब ये वाई और एक्स हो गया। अब इस कंडीशन बोल रहा है कि इफ लेंथ विड्थ इज 36 मीटर, सॉरी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पे पहले लेट कर लो, हमने क्या क्या लिया है, लेट लेंथ ऑफ गार्डन एक्स और एक्स मीटर है, और यहाँ लेंथ विड्थ ऑफ गार्डन क्या है, वाई मीटर। अब यहाँ पे देखो बोला है कि पहले कंडीशन में कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसके लेंथ जो है एक्स जो है इसकी विड्थ से 4 मीटर अधिक है, पहली कंडीशन ये हो गई। इसका इक्वेशन बनेगा एक्स माइनस में वाई इक्वल टू 4, ठीक पहला इक्वेशन बन गया ये। दूसरी बार बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, मतलब हाफ पेरीमीटर इसका क्या है 36 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पूरा ऐड करना। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2x प्लस वाई 2l प्लस बी, है ना। हाफ पेरीमीटर इक्वल टू यहाँ लिख दो, हाफ पेरीमीटर इक्वल टू परिमाप, पेरीमीटर मतलब परिमाप अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एल प्लस में बी, यही होता है। अब यहाँ पे देखो हाफ पेरीमीटर कितना दिया है 36, तो यहाँ 36 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो l की जगह पे क्या लिखना है, x प्लस में y, तो ये आ गया आपका x प्लस y इक्वल टू 36, ये इक्वेशन सेकंड है आपका। अब आपको कह रहा है कि सॉल्व करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, आपको निकालना है लेकिन ग्राफिकली निकालना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करके निकालना है। क्वेश्चन में देखो पहले हम ग्राफ से पहले हम टेबल बनाते हैं फिर ग्राफ पे चलते हैं। टेबल बनाने के लिए पहले में देखिए, पहले के लिए टेबल, पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखो x है ये y है। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू अगर मैं 1 लिखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, अगर y की वैल्यू मैं 0 लिखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, पहले के लिए। सेकंड के लिए देखो, सेकंड वाले में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेते हैं तो छोटा हो जाए थोड़ा सा, 36 बहुत बड़ा हो रहा है, या तो हम ऐसा करते हैं इसे यहाँ पे कुछ और लेते हैं, या पहले में अगर 2 लेते हैं यहाँ पे, पहला इक्वेशन में अगर यहाँ 2 लो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 ले लो तो, या तो यहाँ पे 4 लो y की वैल्यू और यहाँ 8 आए, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे x और y, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 8 लेते हैं तो यहाँ देखो y की वैल्यू 8 लिया तो x की इक्वल टू आ गया 36 माइनस में 8, अब 16 में से 8 माइनस करो 8 आएगा, यहाँ 28, यहाँ पे 28 आपको मिल गया, ठीक। अब यहाँ x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 10 लेते हैं, x y की वैल्यू 10 लेते हैं तो यहाँ पे आ गया 26, या और ऐसा कोई वैल्यू लो जिससे क्या हो ये इस पर मिल जाए, 4 की टेबल में आ जाए, 4 3 12 में आ जाए। यहाँ पे अगर मैं 12 लूँ y की वैल्यू, यहाँ पे 12 लेता हूँ तो यहाँ पे 26 आ जाएगी, 24 आ जाएगा, x की वैल्यू 24, अगर यहाँ 24 लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आपका ग्राफ तैयार है, देखो ग्राफ से आपको सॉल्व करना था, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था 4804, यहाँ पे x की वैल्यू 28 8 26 10, अगर हम चाहते 26 28 से भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्राफ होना चाहिए, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन मेजरिंग कर रहा हूँ, कॉमन मेजरिंग करने से क्या है लाइन उल्टा से तिरछा हो सकती थी, तो इसलिए हमने क्या किया कि 4 की टेबल में आने वाले नंबर लिए हमने, देखो 4 8 4 0 यहाँ 24 12 4 और
12 और 24 ये दोनों हमने ले लिया, ठीक है ना। अब ये इससे हमें क्या हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। अब यहाँ पे देखो यूनिट जो है, यहाँ पे वन यूनिट जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वन यूनिट बराबर यहाँ पे हमने ले लिया क्या 4 सेंटीमीटर, क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर था, मीटर 4 मीटर, वन यूनिट इक्वल टू 4 मीटर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। वन यूनिट इक्वल टू हमने 4 मीटर लिया, तो 4 मीटर जब लिया हमने तो यहाँ 4 था, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है 1 यूनिट, तो यहाँ 4 क्या है यहाँ पे 1 यूनिट, ये 4 2 8 यहाँ पे 2, तो ये 1 और यहाँ पे देखो सॉरी 1 यहाँ पे 2, तो x पे आ गया 2 1 2 और y पे कितना था 1, तो यहाँ मिल रहे हैं ये देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या है आपका 8.4, यहाँ पे लिख लो 8.4, क्लियर। अब आगे देखिए 0 और 4, तो y पे 0 तो यही है और x पे 4, तो x पे 4 मतलब यही क्या है, यही पॉइंट आपका, ये पॉइंट क्या है आपका 4.0। अब इस वाले टेबल में इधर हम देखते हैं 4 3 12 मतलब 3, y पे 3 1 2 3 और x पे कितना है 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो आगे क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया 24 12। आगे देखिए 12 और 24, अब x पे आपको 12 देना है मतलब 4 10 12 और ये 24, तो ये आ गया क्या आपका 12.24। अब ये देखिए ये दोनों पॉइंट, ये पहला इक्वेशन था, ये इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन अगर लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए ये लाइन है, और ये वाली लाइन क्या है तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाली लाइन। अब ये देखो आगे जैसे ही हमने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किए, ये भी लाइन ड्रॉ किए, आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ये एक दूसरे को जहाँ पे काट रही हैं, देखो लगभग ये क्या है 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर है 1 2 3 4, तो ये क्या है वाई, मतलब ये 5 है तो 20, एक्स पे क्या आ गया 20 और ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 4 जा कितना आ गया 16, ये आ गया 16, तो मतलब इस पॉइंट को जहाँ पे ये काट रही है क्या है 20.16, ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 20, y की वैल्यू क्या आ गई 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर और ये क्या आ गया 16 मीटर। अब देखो टोटल लेंथ क्या थी 36 थी, 20 प्लस 16 इक्वल टू 36 मीटर। और आपको देखो यहाँ पे चेक भी अगर करना है, x की वैल्यू क्या है 20 और x की वैल्यू 20 है और यहाँ पे देखो y की वैल्यू 16 है, 16 प्लस 4 तो क्या आ गया 20 बराबर 20 आ गया, मतलब ये हमारा सही है। बस हमें यही सॉल्व करना था, आपको 20.16 मिल गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन आता है हर बार, ना समझ में आया तो एक बार फिर से करो, अगर नहीं समझ में आता कमेंट करो, रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक। पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।